नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रियंका। बड़ी खबर है पशुपति पारस को लेकर, जहां पशुपति पारस ने एनडीए से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस ने पहले ही ये क्लियर किया था कि जब तक एनडीए सीट शेयरिंग के फार्मूले को क्लियर नहीं कर देती है, सीट शेयरिंग के फार्मूले को पूरा बता नहीं देती है, तब तक वो कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन अब जब सीट शेयरिंग का फार्मूला क्लियर हो चुका है, एनडीए ने सीट शेयरिंग कर दी है, जिसमें पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है, इसी बात से नाराज़ होकर अब पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। आज ही उन्होंने एक बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने एनडीए की पूरी वफादारी के साथ एनडीए के साथ काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वफादारी एनडीए से नहीं मिली है। लेकिन अब उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पशुपति पारस ने भी कहा है कि मेरी पार्टी और मेरे साथ ना इंसाफ हुआ है। वहीं बीजेपी की तरफ से ये ऑफर भी दिया गया था चिराग पासवान और पशुपति पारस को कि वो अपनी पार्टी को मर्ज कर लें, और दूसरा ये भी कहा गया था एनडीए की तरफ से कि अगर हो सके तो राज्यपाल का ऑफर भी पशुपति पारस को दिया गया था। लेकिन दोनों ही ऑफरों को नेगलेक्ट किया गया, नज़रअंदाज किया गया, और अब पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वही जानकारी ये भी मिल रही है कि हो सकता है कि पशुपति पारस आरएलडी ज्वाइन कर लें, लेकिन वहाँ आरएलडी में भी कुछ पेच ऐसे फंसे हुए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर जहाँ कांग्रेस आरएलडी से 15 सीट की मांग कर रही है, लेफ्ट पार्टियाँ भी 8 से 9 सीटों की मांग कर रही है, तो अगर ऐसे में पशुपति पारस की एंट्री हो जाती है तो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है। तो अब देखना ये होगा कि पशुपति पारस ने अभी कोई डिक्लेयर नहीं किया है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन मोदी कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी ये देखना होगा, क्योंकि उन्होंने पशुपति पारस ने कहा है कि आगे की जो बैठक होगी वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे, और उसके बाद जो रणनीति लेंगे या रणनीति बनेगी उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। लेकिन आरएलडी के नेता तेज प्रताप यादव का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर पशुपति पारस आरएलडी ज्वाइन करते हैं तो वो उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जब उन्हें मौका होता है तो वो स्वागत करते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो वो लोगों को दरकिनार कर देते हैं, उन्हें निकाल देते हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि हो सकता है पशुपति पारस आरएलडी ज्वाइन कर लें, लेकिन अभी ये कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी, थोड़ा वेट करना होगा। जैसे ही इस खबर पर कोई और अपडेट आती है हम आपके सामने फिर दोबारा हाजिर होंगे इसी खबर को लेकर। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़ के साथ। नमस्कार।